नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और Lallantop की चुनाव यात्रा फिलहाल डूंगरपुर के एक अंदरूनी इलाके में है। क्या नाम है इस जगह का भाई साहब, क्या कहते हैं इसे? किशनपुरा गांव में है और यहां हम एक चुनाव सभा के पीछे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये चुनाव सभा जो चल रही है वो किसी बड़ी पार्टी की नहीं है, जिन दो का जिक्र होता है राजस्थान में, स्विंग स्टेट कहा जाता है, एक बार बीजेपी का राज होता है, एक बार कांग्रेस का राज होता है। लेकिन इस बार डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो ज़िलों में कम से कम ये बात कही जा रही है लगातार कि इन दो पार्टी का मैथमेटिक्स बिगाड़ सकती है BTP यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी। इस पार्टी का जिक्र आपने छोटू वसावा इनके नाम के साथ सुना होगा और इस पार्टी ने इस इलाके में अपने 12 कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल कांति भाई आदिवासी हैं जो कि भील ऑटोनॉमस काउंसिल के सदस्य हैं और उनका जोर इस बात पर है कि उनके काउंसिल में कोई संरक्षक या कोई बड़ा पद नहीं होता है, सारे ही काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। ये BTP से सीधे संबंध नहीं रखते हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इनका पूरा समर्थन है BTP को और BTP की विचारधारा को। तो मुझे आपसे थोड़ा वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। पहली उसमें सबसे पहले ये कि हमने जितना जिक्र BTP के बारे में सुना है, सबने ही कहा कि आप ये जितनी 12 सीटें हैं उनका गणित बिगाड़ने आए हैं, तो आप ये कौन सा गणित है जिसका बिगाड़ने पर जिसके बिगाड़ने के बारे में आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग गणित बिगाड़ देंगे या फिर आप लोगों का अपना कोई गणित है 73 वाला? सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल को और पूरा देश इसको देख रहा है, तो ये हमसे कहा जा रहा है कि गणित बिगाड़ने आए हैं, लेकिन ये उनका गणित ही बेकार है, झूठा है। हम गणित बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम हमारा गणित सुधारने आए हैं। हम लोग 12 सीटों में से कम 7 से 8 सीट जीत रहे हैं। अच्छा, ये बात है, कोई गणित बिगाड़ने नहीं आए हैं, ये उनकी गलत सोच है, गणित बिगाड़ने आए हैं। इस इलाके में जो भी मीडिया पत्रकार बंधु हैं वो हमारा ये जो हमने जिसको समर्थन दिया है उस पार्टी के बारे में ना तो न्यूज़ छापते हैं ना मीडिया में आता है, आता भी है कोई मीडिया वाले आते हैं, प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, तो हमसे पैसा मांगा जाता है। हमारे पास पैसा नहीं है, पार्टी के पास पैसा नहीं है, इसलिए देते नहीं हैं, इसलिए ये लोग बोलते हैं कि गणित बिगाड़ने आए हैं। ये मतलब ये एक वजह हो सकती है, इन्होंने अपनी तरफ से इल्ज़ाम लगाया, हो सकता है इस बात के दूसरे सच भी हो। सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे 73% के आसपास आदिवासी हैं इन दो या तीन ज़िलों में, प्रतापगढ़ को भी अगर अपन गिन लेते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीन ज़िले और उदयपुर के कुछ इलाके हैं 5वीं अनुसूची वाले, है ना। यहाँ पर क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई कि आपको एक नई पार्टी फ्लोट करनी पड़ी? 3 साल से आप लोग जो छात्र संघ चुनाव है उसमें लड़ रहे हैं और डूंगरपुर में तो जीत भी रहे हैं, आपको अलग क्यों होना पड़ा? क्यों आपकी मांगे जो कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हो या भाजपा हो, आप उनके साथ में क्यों एडजस्ट नहीं कर पाए? हमें पार्टी की मांग इसलिए लानी पड़ी क्योंकि भारत का संविधान या 5वीं अनुसूची जिसको बोला जाता है, वो हमारे जो MP MLA बनते हैं उनको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 5वीं अनुसूची का प्रावधान 1874 द्वारा अंग्रेजों ने लिखा गया, उसके बाद में 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें 5वीं अनुसूची का पूरा मेमोरेंडम बनाया गया, उसके बाद में 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया सेक्शन 91-92, वो एज टू एज 1950 के संविधान में उसको पब्लिश कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा और हमारे 5 आदिवासी लोग थे, उनके कहने पे बाबा साहब ने उसको एज टू एज वहाँ पे रख दिया। उसके बाद में 50 साल से संविधान लागू हुआ और आज तक ये हमारा चुनाव आते गए, कांग्रेस BJP राज करता गया, लेकिन 5वीं अनुसूची के बारे में आज तक किसी MP MLA ने इस चीज़ को यहाँ बताया नहीं, दर्शाया नहीं। हम लोग इस इलाके में विगत 5 साल से कुछ जनजागरण कर रहे थे आदिवासी परिवार के नाम से, और आदिवासी परिवार के नाम से जनजागरण करने के बाद में हमने हमारा एक स्वायत्त भील ऑटोनॉमस काउंसिल बनाया, जिसके मार्फत से हमने भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया, जिसको सामाजिक आधार पर हमने पहली बार में ही कांग्रेस और BJP के जो फ्रंट हैं स्टूडेंट के, उनको NSY और ABVP उनका सुपड़ा साफ कर दिया, और लगातार ये तीसरी बार हमारी हैट्रिक हुई है। हैट्रिक होने के बाद में हम जयपाल सिंह मुंडा जयंती इसी सागवाड़ा विधानसभा में सेमलिया पंडा मना रहे थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन को जानबूझ के ऐसी झूठी अफवाह फैलाई कि ये लोग ऐसा माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा के निर्माता थे, सदस्य थे, उनका जयंती नहीं मनाने दी, वो हमें बहुत अखरा। उसके बाद में हम लोग निराश हो गए, हताश हो गए, हाईकोर्ट भी गए, वो केस भी चल रहा है। उसके बाद में फिर हम लोगों को रोका गया, यहाँ मंदिर तोड़े गए, मूर्तियाँ तोड़ी गई और
आदिवासियों के ऊपर आक्षेप लगाया गया और हमारा जितना भी जनजागरण था वो रोकने का प्रयास किया। फिर हमने सोचा कि अब कोई न कोई हमारा रक्षक होना चाहिए। रक्षक यानी कैसा होना चाहिए, ये तो हमारा स्वायत्त है, स्वतंत्र आदिवासियों का बिल ऑटोनॉमस काउंसिल है, लेकिन कोई पॉलिटिशियन का हमारा साथ होना चाहिए ताकि उस पॉलिटिशियन के आधार पर हम लड़ पाए। इसीलिए हमने कुछ सामाजिक मुद्दों के साथ में, संवैधानिक मुद्दों के साथ में, पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को लेकर, अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों को लेकर, यहाँ के जन जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर, यहाँ के 200 आर्टिकल का जो पैसा आता है हमारा TADA फंड का, उसके मुद्दे को लेकर हमने ये BTP को यहाँ पे लॉन्च किया और हमने साथ दिया, समर्थन दिया है उसको। हम अभी एक प्रयोगशाला के रूप में देख रहे हैं। अगर प्रयोगशाला में BTP फेल हो जाती है तो हमारा इन सारे आदिवासी इलाके में हम लोग एक नई पार्टी का भी गठन कर सकते हैं। मतलब ये BTP फिलहाल आपका ही, ये आप ये कहे कि आप ट्राई कर रहे हैं उसके साथ, कि आपका अनुभव कैसा रहता है? अच्छा, ये आपने बताया कि आपको अलग होने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन ये कांग्रेस भी और BJP भी लगातार पांचवी अनुसूची के बारे में तो उनका जिक्र होता रहता है, उन लोगों की सभा जब यहाँ होती है तब तो वो कहते ही हैं, ठीक है, क्या उनसे ऐसी चूक हुई है कि आपको ऐसा लगता है कि अब उनके साथ जाने में मतलब उनके साथ जाना अब आपको रास नहीं आता? चूक उनसे ये हुई है कि ये पांचवी अनुसूची का इलाका है सर, उसमें 244(1)(5) उसके उप पैरा 2 में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र में 100% रिजर्वेशन या जो भी है वो आदिवासियों को ही मिलना चाहिए, यानी पूरा लाभ जो भी लाभ है वो आदिवासियों को मिलना चाहिए। कांग्रेस वालों ने राजनीति करते हुए 2013 में यहाँ का जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था आदिवासियों का, वो आरक्षण 50% नॉन ट्राइबल को दे दिया, मतलब इस प्रकार से पूरा उधर दे दिया, तो आदिवासियों को 45 में रख दिया। तो ये अनुसूची 5 का मतलब क्या रहा, प्रावधान क्या रहा? फिर हम लोगों ने कांग्रेस वालों के साथ में इसका चर्चा किया, अशोक जी गहलोत से हम लोग मिले, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कोर्ट में वाद दायर किया, अभी भी कोर्ट में चल रहा है, अभी जो भर्तियाँ हो रही है वो अंडर कोर्ट के प्रोसेस में है, और हम लोग इसके बाद में कोर्ट ने फिर उसको रद्द कर दिया। फिर उसके बाद में BJP सरकार आई, BJP सरकार ने 2016 में रद्द होने के बाद में BJP सरकार ने एज टू एज जो कांग्रेस वालों ने लागू किया था वही ने वही वापस लागू कर दिया, आदिवासियों को कुछ नहीं दिया। इसलिए आदिवासी अपने आप में अलग हैं और इसलिए इन दोनों से खपा हैं और भविष्य में भी खपा रहेंगे, आने वाले साल में भी खपा रहेंगे। अब अपने आप में जाग चुके हैं और हमारा आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक मूवमेंट है और सामाजिक मूवमेंट में ही हमारा राजनीति राज छिपा हुआ है। अच्छा, आपने बार बार अपने आंदोलन को सामाजिक कहा, मैं अभी 3 दिन से डूंगरपुर में और अलग लोगों से मेरा मिलना हुआ है तो मुझे बताया गया कि लगातार काउंसिल की मीटिंग्स में ऐसा हुआ है कि आप लोगों का जोर इस बात पे रहा है कि जो लोग गैर आदिवासी हैं आप लोगों की मीटिंग्स में उन्हें शामिल नहीं होने दिया जाता है। इसकी कोई खास वजह है क्या? मतलब जब आप लामबंदी कर रहे हैं, आप चूंकि आप भी शायद सबको साथ में लेना चाहते ही होंगे, है ना, क्योंकि तभी आप राजनीति में उतर रहे हैं, तो ये मतलब आप अलग क्यों रहना चाहते हैं बाकी लोगों से? क्योंकि अगर आप नॉन ट्राइबल हैं तो मुझे बताया गया कि आप मीटिंग में भी नहीं आ सकते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे हमने कहा कि जैसे आपका मकान है उस मकान में आप लोग आपके लिए बनाया है, तो ये अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, वो आदिवासियों के लिए बनाया है। अगर कोई मेहमान आता है तो वहाँ पे कब्जा बना के नहीं रह सकता। और दूसरी बात हम है कि हमारे इलाके में जो शोषित है, दलित है, माइनॉरिटी है, उन लोगों को भी दबाया जा रहा है, तो हम लोग उन लोगों को राजनीति के मार्फत से नहीं, उनको दबाने प्रताड़ित किए जाने की वजह से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप भी प्रताड़ित हो, हम भी प्रताड़ित हैं, आप लोग हमारे साथ में आइए, आपकी समाज की बात कीजिए, हम हमारे समाज की बात करते हैं, और समाज नीति में ही कहीं राजनीति आ जाए तो सबका भला हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो आपका दूसरा कम्युनिटी है जिसको तथाकथित स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण तो कोई आपके कोई दुश्मनी नहीं है? नहीं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी गरीब हैं, अगर वो भी हमारे साथ में आना चाहते हैं, हमारे साथ में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, बस शर्त है यहाँ के नियम और कायदों को फॉलो करते हुए रह सकते हैं, जो संविधान में लिखा है उसको फॉलो करते हुए रह सकते हैं, Article 19(5) और आपका फंडामेंटल राइट्स उनके लिए है, लेकिन ये इलाका स्पेशल प्रोविजनल वाला है तो स्पेशल प्रोविजनल में हमारा जो पहला प्रायोरिटी हमारी है, दूसरी प्रायोरिटी उनकी है, संविधान में जो लिखा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो भी यहाँ रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है जो यहाँ से, अभी सरकार ने उनको 70 साल किया लेकिन हम कह रहे हैं 50 साल, 50 साल के बाद में जो लोग बाहरी यहाँ पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, कंपनियाँ बना रहे हैं, मार्बल ले जा रहे हैं, सारी संपत्ति लूट के ले जा रहे हैं, उन लोगों से लड़ाई है, ना कि हमारे यहाँ के स्थानीय जो भी 200 साल 300 साल से हमारे साथ में रह रहे हैं, उनके साथ में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो आपने जब आप मंच पे कह रहे थे तब मैंने बार बार आपसे सुना कि आप लोग कह रहे थे कि हम नक्सलवादी नहीं हैं, ठीक है, कौन वो लोग हैं जो आपको नक्सलवादी कहते हैं और आपको इस सबसे आपत्ति क्या है? ये इस इलाके में नक्सलवाद शब्द ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं है, और TV पे हम लोग सुनते थे कभी कभार,
लेकिन इस इलाके में अभी कांग्रेस के तो ठीक है साइलेंट किलर है, लेकिन बीजेपी तो ओपन आ गया है। वो जो बीजेपी की जिला परिषद सदस्य है उसकी लड़की का नाम क्या है, कविता उपाध्याय, यानी वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल तरीके से भगवा से जुड़ी हुई है और भगवा वाले ही आदिवासियों को नक्सलवाद बोल रहे हैं। ये हमारा खुला चैलेंज है और मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ उनके ऊपर। अच्छा, तो आपको इस सबसे आपत्ति क्या है सर? हमारे हिसाब से आपत्ति ये है कि हम लोग यहाँ पे संविधान की मांग कर रहे हैं, हमारे संस्कृति की मांग कर रहे हैं, हमारे पहनावे की मांग कर रहे हैं, हमारे जंगल जमीन की मांग कर रहे हैं, हमारे जो राइट्स दे रखे हैं उसकी मांग कर रहे हैं, तो उनको लागू करवाने के लिए उन लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए, ना कि हमें प्रताड़ित करना चाहिए। तो आपने एक शब्द कहा कि जो लोग आपके खिलाफ हैं वो ब्राह्मणवादी आतंकवादी हैं, ठीक है, तो क्या कौन वो लोग हैं जिनको आप ब्राह्मणवादी आतंकवादी कहते हैं? क्योंकि जब हम आतंकवादी किसी को कहते हैं तो ये बहुत बड़ा आक्षेप है। ये जब आदिवासियों को नक्सलवादी बोलते हैं, हमने तो नहीं कहा पहले कि ये ब्राह्मणवादी आतंकवादी है। मैं उच्च बिचारे जो गरीब ब्राह्मण है उस ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो उस ब्राह्मण पूरे समाज को गुमराह करके पूरे समाज को बदनाम करना चाह रहा है, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ। हम लोग हमारा विजन वो ब्राह्मण का विरोधी नहीं है, हमारा विजन उसका विरोधी है जो अपने आप में एक तरीके से पूरे देश में राज कर रहा है, जो ब्राह्मणवाद कहा जाता है उस ब्राह्मणवाद का विरोधी, मनुवाद के विरोधी। हम लोग ये ब्राह्मण के विरोधी नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने आपके बयान में सुनी, जो आप कह रहे थे स्टेज पे, ठीक है, उसका जिक्र एक बार के लिए आया लेकिन वो बात मेरे दिमाग में ठहर गई। हमने ये सुना है काफ़ी कि काउंसिल की मीटिंग्स के दौरान भील प्रदेश की मांग होती रही, ये भील प्रदेश क्या है, इसका क्या स्वरूप होगा और आप इस मांग को लेकर कहाँ तक जाने वाले हैं? देखिए सर, हमारा भील प्रदेश कोई अलग देश की मांग नहीं है। भील प्रदेश मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस इलाके में पूरे इलाके में आदिवासी भील समुदाय 80% निवास करता है। अंग्रेजों के समय में भी ये भील स्टेट था, उसका नक्शा है। हमारे गुरु गोविंद महाराज जो मानगढ़ धाम पे आंदोलन किए थे, जहां 1700 आदिवासी मारे गए, उन्होंने भी भीलराज की मांग की थी। उसके बाद में इस इलाके में जितने भी संत हुए वो भी भीलराज की मांग करते थे। अगर हमारा भील प्रदेश बनता है, हम लोग अलग स्टेट की मांग करते हैं, तो हमारा यहाँ पे सीएम होगा, क्योंकि हमारे 90 सीट हैं जो विधानसभा की, वो एक मुश्त आरक्षित हैं, 13 लोकसभा सीट आरक्षित हैं। हमारी बोली जो हमारे इधर मध्य प्रदेश में जाए तो निमाड़ी बोल दिया, गुजरात में जाए तो गुजराती बोल दिया, महाराष्ट्र में जाए तो मराठी बोल दिया, हमारे इस इलाके में हमारी बोली को वागड़ी बोल दिया। लेकिन जब हम देखते हैं 1905 का जॉर्ज ग्रियर्सन का जो एनालिसिस है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है उदयपुर से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर बॉम्बे तक जो निवास रहता है वो भील समुदाय है, उनकी बोली भाषा भीली है या भिलोड़ी है। इसलिए हमारा संस्कृति का विकास होगा, हमारा जनजागरण का विकास होगा और एक अलग से भील प्रदेश बनता है तो आने वाले समय में ये सारे युवा है हमारे साथ में, जो इस विचारधारा को नहीं मान रहे हैं वो 4-5 साल 10 साल में चले जाएंगे और ये नई पीढ़ी जो पैदा हो रही है वो अलग भील प्रदेश की मांग करेगी, उसका नेतृत्व हम लोग सारे मिलके करेंगे। मैं कोई अकेला कोई तोप नहीं हूँ, हमारा समाज साथ में, पूरा 4 राज्य साथ में हमारे साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 12 सीटों पर आप लड़ रहे हैं और उसमें से कितने पर आपका जीत का दावा है? हमारी डूंगरपुर की 4 सीट जीत का दावा है, खेरवाड़ा सीट पे जीत का दावा है, गढ़ी सीट पे दावा है, बागीदोरा सीट पे दावा है, हमारी 7 सीटों पे जीत का दावा है। तो जब ये 7 आपके एमएलए जीत कर आ जाएंगे, और जैसे कि कहा जाता है कि राजस्थान स्विंग स्टेट है, अभी भाजपा की सरकार है वो जाएंगे और कांग्रेस आएगी, तो क्या आप किसी भी शर्त पर भाजपा या कांग्रेस को समर्थन देंगे पक्ष या विपक्ष में बैठने के लिए? क्योंकि आप तो बहुत आगे तक जाना चाहते हैं मेरा ख्याल राजनीति में। देखिए, मैं पहले ही बोले हैं, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने समर्थन दिया है बीटीपी को, हमारे जो काउंसिल चल रहा है उसके आधार पे। अगर कांग्रेस और बीजेपी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग चाहेंगे कि ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग चाहेंगे कि 17 विधानसभा सीटें जो आदिवासी इलाके की है, जो हर बार आदिवासी जीतते हैं, और 25 कुल मिला के 25 आदिवासी सीटें हैं, एसटी सीटें हैं, तो इतने साल हो गए एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो हमारा विजन ये है कि इस राजस्थान का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हो, ये हमारा विजन है। अच्छा, तो अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो आप बीजेपी या कांग्रेस के साथ जाने को राजी हैं? अभी बीजेपी का तो सवाल पैदा नहीं हो रहा है। अच्छा।
बीजेपी का सवाल पैदा नहीं हो रहा है, न कांग्रेस का पैदा हो रहा है। कम से कम हमने पौधा लगाया है, फल तो लगने दीजिए, किसको खाना खिलाना है किसना नहीं खिलाना है वो बात की बात है। वो बात की बातें हैं, और जो बात की बातें हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे अपने और वीडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। इस बातचीत में हमने जाना कि बीटीपी का गणित क्या है और वो कौन सा गणित है जो इन दो बड़ी पार्टीज़ का गणित बिगाड़ सकता है, और दूसरे गणितों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर ललन टॉप चुनाव यात्रा को आप आगे भी फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।